हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसका टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं, मेरे पास आपको दिखा रहा हूँ, ये सैमसंग का अल्ट्रा स्लिम टीवी आया हुआ है। मैंने इसको खोल रखा है। प्रॉब्लम इसमें यह है दोस्तों कि ये टीवी ऑन तो होता है लेकिन इसके स्क्रीन पे कुछ नहीं आता है। और आइए देखते हैं, चालू करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। टीवी का फिलामेंट तो जल जा रहा, देख रहे हैं फिलामेंट जला हुआ है, लेकिन हमारे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा दोस्तों। देख सकते हैं कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्योंकि स्क्रीन पे एच लाइन अगर हो, अगर वर्टिकल आईसी ख़राब या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो वो दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसका एवी वायर लगा के कि हमारा टीवी साउंड वगैरह दे रहा है या नहीं, साउंड आ रहा है यार इस टीवी में। देख सकते हैं साउंड आ चुका है दोस्तों। प्रॉब्लम अब कहाँ है, प्रॉब्लम अब हमारे यहाँ स्क्रीन में ही है, क्योंकि फिलामेंट तो जल ही रहा है, हमारा हीटर जल रहा है। हम जीएसटी बढ़ा कर देखेंगे, इसका जीएसटी देख सकते हैं, स्क्रीन बढ़ा के देखेंगे हम। देख सकते हैं स्क्रीन बढ़ाया तो ग्रीन आ गया, पिक्चर स्क्रीन बढ़ा के छोड़ दिया आ गया दोस्तों, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं आया है स्क्रीन में, यानी कि बहुत धुंधला मरेला सा पिक्चर आया हुआ है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर हम बंद करके चालू करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होगा। आइए हम बंद करके चालू करके एक बार देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके तब चालू करना चाहिए बंद करने के बाद। देख सकते हैं हमारा पिक्चर फिर नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम हमारा सेम है। आइए हम थोड़ा सा इसका स्क्रीन फिर से ज़्यादा करके कम कर देते हैं। देख सकते हैं पिक्चर आया लेकिन बड़ा धुला सा मरेला सा पिक्चर आया हुआ है, बड़ा ही अजीब फॉल्ट होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर बार मैं एक नए फॉल्ट के साथ आता हूँ अपने वीडियो में, और आपको जहाँ तक कोशिश है रहती मेरी कि मैं आपको उस फॉल्ट को निकाल के आपको दिखाता हूँ, और उसके बारे में जितनी जानकारी होती मैं आप तक पहुँचाता हूँ उस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसमें, आइए देखते हैं। अगर ऐसा फॉल्ट आता है आपके पास तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस पर चेक कर लेना है, इसके वीडियो पर इसका दो चीज़ चेक करना है हमें। आइए देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं। देख सकते हैं मैंने इसके वीडियो के बेस को निकाल लिया, देख सकते हैं एक अब फिल्टर ख़राब है इसमें टीवी का दोस्तों। देख सकते हैं ये फिल्टर ख़राब होने की वजह से भी देख सकते हैं फिल्टर इसका ख़राब है। अब ये फिल्टर ख़राब रहेगा तो भी हमारा पिक्चर मार देगा। अब बेस भी हमें चेक कर लेना है, अगर बेस भी ख़राब रहेगा तो भी ये कारण होता है। तो देख सकते हैं मैंने बेस का वायर निकाल लिया, जो फोकस का वायर होता है। अगर हमारा बेस ख़राब है फोकस में, देख सकते हैं ये फोकस का भी गड़बड़ है, देख रहे दोस्तों ये फोकस का वायर देख जंग खाया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर पूरी तरह से देखिए कार्बन लगा हुआ ग्रीन ग्रीन कलर का, आपको मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए ग्रीन कलर का लास्ट में जो लगा हुआ है, यह भी एक कारण होता है। अगर बेस हमारा ख़राब रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। ये दो फॉल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए हम इसको क्लीन करके देखते हैं, तो फिर नया बेस डाल के देंगे। फिलहाल मैं फ़िल्टर डालूंगा अभी इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ऊपर से लगा दिया है फ़िल्टर निकाल के, अब हम टीवी चालू करके देखेंगे। आइए चालू कर दिया हूँ मैं, अभी देखते हैं आ गया दोस्तों। देख सकते हैं पिक्चर, लेकिन पिक्चर में क्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पिक्चर तो तुरंत आ गया, ये तो एक फॉल्ट था। अब इसका ये समझ में आ गया कि इसका पिक्चर क्वालिटी अभी भी मरा हुआ है। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती है दोस्तों, या तो हमारा पिक्चर ट्यूब डाउन है, दो ही बात इसमें है। अब देखिए ये तो हमारा पिक्चर ट्यूब डाउन है, यह तो हमारा ये बेस ख़राब है। अगर बेस हमारा ख़राब रहेगा तो भी हमारा पिक्चर क्वालिटी मरा हुआ, लेकिन फोकस हमारा इतना बिगड़ा हुआ नहीं है तो बेस तो हमारा इतना भी ज़्यादा नहीं ख़राब है। लेकिन सैमसंग के लिए, फ़िलिप्स के लिए अगर थोड़ा भी अगर बेस ख़राब होता तो प्रॉब्लम ऐसा दिखता है। तो दोस्तों बस समझ लीजिए पिक्चर तो आ गया है, अब जो भी होगा अगर मैं सबसे पहले कस्टमर से बात करूंगा और अगर वो बोलेगा तो मैं ट्यूब चार्ज करूंगा, या फिर बेस का तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि बेस इतना जो है वो चल जाता है।
तो कस्टमर से बात करने के बाद ही हमें पता चलेगा अब आगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसका ये था कि कम खर्चे में अगर काम होता तो बनाना है और ज़्यादा खर्चा आएगा तो नहीं बनाना है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं और बाद में वो बोलेंगे कि नहीं इतना नहीं इतना, फिर मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हमें थोड़ा से बात करने के बाद ही, फिलहाल तो पिक्चर आ गया है, अब इतने में वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन वो फॉल्ट दोबारा आ सकता है जो पहले था, क्योंकि जैसा पिक्चर की क्वालिटी घटेगी फिर से वो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। और कभी कभी एक फॉल्ट इसमें ये भी आता है कि जो हमारा यहाँ 180 वाला होगा, जो 220 या 180 वोल्ट जो यहाँ पर आता है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होने से वोल्टेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर कभी ऐसा होता तो आप उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर दें, एक फॉल्ट आता है। और बाकी तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, अगर यह फॉल्ट आता तो यही चीज़ है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और जाते जाते मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। कमेंट में अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर दे सकते हैं। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।